नमस्कार होनरेबल पीएम सर। नमस्कार। मेरा नाम एन पल्लवी है, मैं 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। सर, हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा साल पढ़ाई ठीक चल रही होती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा निकट आती है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। कृपया इसके लिए कोई उपाय बताइए सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पल्लवी। मुझे बताया गया है कि इसी तरह का और भी एक सवाल है। सादर अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अर्पण पांडे है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे अपनी भावी भविष्य की सफलता हेतु एक प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे, कि क्या होगा अगर अच्छे अंक और अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। धन्यवाद पल्लवी। अर्पण, देखिए, आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो? क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है। अचानक तो नहीं आया है। और जो अचानक नहीं आया है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है, इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है, और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी, एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है? मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती है। हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है, ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है, हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बच्चों को घर में सहज तनाव मुक्त जीना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें जो रोज करते थे वैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं, और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति, इस सबको अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ बाप को पता है, और उसके कारण माँ बाप समझते हैं कि ऐसे समय
वीकनेसेस को बाजू में करो, स्ट्रेंथ को जितना बल दे सकते हो दो। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है? आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का सीट देखना पड़ता है और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं। साथियों, हमारे यहां एग्जाम के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का उत्तम अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए,